दोस्तों 23 साल की एयर होस्टेस रूपल की हत्या के मामले में पुलिस ने 40 साल के आरोपी विक्रम आठवाल को गिरफ्तार किया है। रूपल अंधेरी स्थित एनजी कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट पे किराए पे भाड़े पे रहती थी। रूपल छत्तीसगढ़ के रायपुर से आई थी, उसका सिलेक्शन हो गया था एयर होस्टेस के लिए और वो एज ए ट्रेनी यहाँ पे काम कर रही थी। एक सपना लेकर के, उसका एक ड्रीम था जिस ड्रीम को लेकर के वो मुंबई शहर अप्रैल महीने में ही आई थी। अभी कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था उसे। मुंबई आती है और मुंबई में अंधेरी स्थित एनजी कॉम्प्लेक्स में रहती है, लेकिन एनजी कॉम्प्लेक्स में ही सफाई का काम करने वाला विक्रम आठवाल, जो कि रूपल पे, ऐसा सूत्रों से पता चला है कि रूपल पे वो बुरी नज़र रखता था और इसी सब को लेकर के रूपल ने एक बार उसे बहुत ही डांट और फटकार भी लगाई थी। चूंकि विक्रम आठवाल सफाई का काम करता था उस बिल्डिंग में, तो हर घर में जाकर के कचरे का डब्बा लाना, कचरा लेके आना, ये सारा उसका काम था। लेकिन विक्रम आठवाल ने रूपल से बदला लेने की ठान ली और रविवार के दिन विक्रम रूपल के फ्लैट पे जाता है कचरा लेने के बहाने और किसी तरह से उस फ्लैट के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद रूपल का गला चाकू से रेत कर वहाँ से फरार हो जाता है। आप सोचिए, एक लड़की छत्तीसगढ़ के रायपुर से मुंबई अपने सपने को पूरा करने के लिए आती है। उसको एयर होस्टेस बनना था और कहीं ना कहीं वो एयर होस्टेस के लिए सिलेक्ट हो जाती है। ट्रेनिंग कर रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी वो, और मुंबई आकर के उसको मुश्किल से 4-5 महीने हुए थे। अब मुंबई से उसकी अर्थी उठती है। ये कितनी दुखद घटना है, आप सोचिए। रूपल जैसी हजारों बच्ची अलग अलग शहर जाती है, अपने सपने को लेकर के जाती। उन बच्चियों में से ही एक रूपल थी और रूपल की निर्मम हत्या कर दी जाती है एक सनकी के द्वारा। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन बेचारी 23 साल की रूपल अब इस दुनिया में नहीं रही। अंत में इतना ही कहेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।